ओके नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्ट या स्वागत है आपका इस नए सेशन में। और आज इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो आपको एग्जाम के लिए करके जानी है, मतलब इट टुक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट टू सेग्रीगेट देम, बिकॉज मन कर रहा था ये भी ले लू, ये भी करवा दू आप लोग के पास से, ये भी कर लो। फिर आपको लगे कि सर हमको एग्जाम देना है, हमको यहाँ पे पीएचडी या थीसिस नहीं करनी है, तो प्लीज सिलेक्टिव हो जाओ। सो बेस्ड ऑन व्हाट आई फील इज इंपॉर्टेंट दिस टाइम इन द एग्जामिनेशंस, मैंने सिलेक्टेड केस स्टडीज ली है, वो मैं अभी आप लोग के साथ लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो मैं लिस्ट में शेयर करने वाला हूँ तीन चीजें, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये तो मैं आपको टेलीग्राम पे सब चीजें मिल जाएगी वैसे। हाँ, सो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ तीन चीजें शेयर करने वाला हूँ। एक, जैसा कि आप देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा चैप्टर एंड तीसरा है कॉन्सेप्ट। फटाफट आओ इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। So, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो केस स्टडी डाइजेस्ट है तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक है केस स्टडीज, फिर उसके बाद है केस सिनेरियोस और फिर है स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस। सो उनमें से गिन चुनकर दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम टाइम पे करके जाने हैं। उसके अलावा प्लीज खाली बाकी सब जो केस स्टडीज है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपने थ्योरी बराबर से कर ली देन इन दैट केस वो केस स्टडी अलग से नहीं की तो भी चलेगा। और एग्जाम्पल, अगर मैं आपके ये केस स्टडी डाइजेस्ट को ओपन करता हूँ, सो यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल मैं ये केस स्टडी डाइजेस्ट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है, बट से यहाँ पे केस स्टडी ओपन होती है अपनी केस स्टडी 15 एंड से इट इज रिलेटिंग टू ट्रिपल बॉटम लाइन। ये वाली तो मैंने ली भी है कोइंसिडेंटली, लेट्स सी मैंने ली है क्या, नहीं क्वेश्चन 15 नहीं लिया है। तो से यहाँ पे अब मेरी ये केस स्टडी है क्वेश्चन नंबर 15 की। अब क्वेश्चन नंबर 15 इज रिलेटेड टू व्हाट, चेक करो। एक से, हाँ, सो क्वेश्चन 14 है ये मैंने लिया हुआ है एंड क्वेश्चन नंबर ये 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एफिशिएंसी इकोनॉमी से रिलेटेड है, सो ऑब्वियसली आप इसका थ्योरी करके जाओगे तो भी काम चल जाएगा, या इसके अलावा भी जैसे आगे भी आप लोग देखोगे तो बहुत सारी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, तो इसमें जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो मेरे हिसाब से थ्योरी पढ़ के मैनेज हो सकता है, तो क्यों अननेसेसरीली उसके ऊपर टाइम डालना। तो मैंने यहाँ पे वही चीजें ली है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है एंड इसको आप अलग से करने की जरूरत है। तो मैंने चैप्टर कॉन्सेप्ट वो भी लिख दिया है सो दैट यू आर क्लियर कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। आई एम श्योर यू वुड हैव जॉइंड इट बाय नाउ। सो स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस में काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें, देखो थ्योरी में से है ना मैंने ज्यादा नहीं लिया है, बेसिकली केस स्टडीज फुल थ्योरी है, तो 1 to 12 तो मैंने लिया ही नहीं है, बिकॉज पूरा थ्योरी से आपका मैनेज हो जाएगा। प्लीज मैजिक रिविजन को 2-3 बार कर लेना एंड एक दो थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस रख देना, सो हो जाएगा काम। यहाँ पे भी सेम चीज है केस सिनेरियोस में भी, बट जो स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, उसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चंस है जो अगर आप करके नहीं गए तो डायरेक्टली एग्जाम में कहीं ना कहीं इशू हो सकता है, एंड देयरफॉर वी नीड टू डू इट इन अ प्रॉपर मैनर। सो ये बहुत सारे क्वेश्चंस है यहाँ पे स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस के, इसका भी मैंने काफी सारों का सबका ऑलमोस्ट वीडियोस बना ही दिया है यूट्यूब पे, तो वहां से भी आप देख सकते हो, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो आई होप ये आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा एंड यू विल यूज इट टू द बेस्ट बेनिफिट। पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का रिवीजन मैं करवा चुका हूँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है, थ्योरी का मैं करवा चुका हूँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है, और कुछ हो तो प्लीज लेट मी नो। फॉर नाउ टाइम फॉर मी रुसे हास्ता ला विस्ता, थैंक यू सो मच। प्लीज इसको डाउनलोड करके इतना करके जाना एग्जाम टाइम तक, शुड बी सफिशियंट अकॉर्डिंग टू मी। बाकी ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ हिम्मत करो, बट टाइम के ऊपर है, टाइम कम है इतना कर लो, टाइम ज्यादा है और अपना स्पेस बढ़ाते जाओ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड हाँ भाई, चैप्टर 12 जो आपका केस स्टडीज का है मॉड्यूल 3, उसमें से मेरे हिसाब से खाली ये केस स्टडी 9 5S का जो है उसमें भी 5S का पूरा एक्सप्लेनेशन वाला है, तो वो आप कर लेना। उसके अलावा नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है, तो खाली थ्योरी कर लो, आप केस स्टडीज को मैनेज कर पाओगे। थैंक यू सो मच।